मैंने तो सिर्फ चाय के लिए कह दिया था, इडियट। अब आ गई है तो पी लो। आप तो जानते हैं मैं चाय पीती नहीं। हाँ जानता तो हूं, लेकिन ले आया है, कभी कभार पी तो लेती थी। बना दूं थोड़ी सी? लाइए मैं बनाती हूँ। वही एक चम्मच ना। नहीं शक्कर नहीं, ये कब से? 5 साल हो गए। तभी से कहाँ जा रही हो तुम? पटना। रहती हो वहीं? पढ़ाती हो अब भी? जी हाँ। कोई म्यूजिक? चश्मा कब से लगा लिया? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा लगता है, समझदार लगती हो। 5 साल पहले समझदार नहीं लगती थी। नहीं लगती थी, अब ज्यादा लगती हो। आपने दाढ़ी कब से बढ़ा ली? कुछ दिनों से। क्यों समझदार नहीं लगता मैं? आप यहां कैसे? कैंपेन के लिए गया था दार्जिलिंग, वापस जा रहा हूं। कहां? वहीं वहीं रहते हैं आप? वही शहर है, वही गली, वही घर। सब कुछ वही तो नहीं है, लेकिन है वही, उसी जगह। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम दादू। शरणा जिधर हो बेटे, आ गए हैं जी। जाओ स्नान कर लो, जा। मैं घर जाके नहा लूंगा दादू। अरे नहाती तो गाय भैंस है बेटे, स्नान मर्द लोग करते हैं। हाँ क्यों, जनेऊ नहीं पहना ना? पहन ले बेटा पहन ले, मेरे बात तुझे कौन कहने वाला है रे। थोड़े दिन रह गए हैं बस, मर जाऊंगा मैं तो मेरा पिंड दान कौन देगा रे। पहन ले है? पहन ले। दादू गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? अरे जल्दी कहाँ है, परेशान करती है बस, बहुत तंग करती है। क्यों, विंटेज वैल्यू तो है ना? अरे विंटेज वैल्यू कहाँ, न्यूसेंस वैल्यू है। अरे 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 दादू दांत तो ब्रश करके आया हूँ। मुंह ना सही, फल तो धो ले बेटे। अच्छा है, अच्छा मीठा है ना? बहुत अच्छा। भेज दूँ एक पेटी अपने बागीचे का? नहीं दादू बेकार वेस्ट हो जाएंगे, मैं रहता हूँ घर पे। तू क्या स्टूडियो में रहता है? बाहर आने जाना बहुत पड़ता है ना कैंपेन के लिए। हाँ, काम तेरा जम गया है? फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास, वाह वाह। आओ पार्वती आओ। प्रणाम। जमाई राज आ गए हैं, हमने बुलवा लिया, फिर मत कहना। मैं कब कुछ कहा करती हूँ? आप पूछ लो इनसे जो पूछना। मैं क्या पूछूंगी भाई साहब? बैठो भाई बैठो, खुद ही तो कहती हो कि अगले महीने तारीख निकली है, अब दूल्हे मियां से भी तो पूछ लो वो तैयार है कि नहीं।
अब आप ही पूछ ले, हमको तो 5 साल हो गए इंतजार करते। सुन लिया भाई, वैसे बात ठीक है, 5 साल बहुत होते हैं मंगनी के बाद। पहले तू पढ़ लिख रहा था तो हमने कुछ नहीं कहा, हम लड़की को पढ़ाते रहे। फिर तूने काम काज की जरूरत बताई तो हमने कहा ठीक है दुकान खोल ले। वैसे अर्ली मैरिज के हक में हम भी कभी नहीं थे। और 2 साल निकल गए। फिर सुधा ने नौकरी कर ली, पंचकनी में पढ़ाती है, मालूम है ना तुम्हें? जी। वैसे आई होप यू आर नॉट इन्वॉल्व विद एनी अदर गर्ल, आई होप यू नो। नो, देयर्स नथिंग। हिंदी में बात कीजिए ना भाई साहब, किस गर्ल की बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे मैं पूछ रहा था, किसी और लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है? तुम तो जानती हो आज तो सुधा का क्या होगा, 5 साल से वो कुछ नहीं होगा। वैसे शनिवार को सुधा जब आएगी तुम भी उससे पूछ लेना। हाँ, उससे क्या पूछना है, आपकी चरण धूली तो वो आंखों से लगाती है। आपने जो कुछ भी कहा वो मुझसे भी ज्यादा मानती है। देख देख पार्वती, वो सब शुरू मत कर। हैं, हमें भी कम अभिमान नहीं सुधा पर, अपने बेटे से ज्यादा मान देते हैं हम उसे। हाँ, तू सुधा से कह दे अब कि हम तारीख नहीं बदलेंगे। बस 7 तारीख कही थी ना? हाँ। अगले महीने? उसमें तो सिर्फ 8 दिन है दादू। तो तुम्हें क्या करना है, मंडप में आके बैठ जाना। हमें ज्यादा ताम जाम पसंद नहीं। लेकिन दादू मैं तुम जल्दी नहीं आ सकते, तुम 6 तारीख को आ जाना। हाँ, शादी साथ की तय, हम खुद शादी करवाएंगे, मंत्र भी हम पढ़ेंगे। शुद्ध शांत द्वैताधारी, त्रिमूर्ति तापर मंगलकारी, शरण पड़े हम समर्थ प्रभु की, आरती सदगुरु देव दयाल की, सतचित्रित आनंद धाम की, आरती सदगुरु देव दयाल की। तो आपने दादू से क्यों नहीं कहा? हिम्मत नहीं हुई। जब मंगनी हुई थी उस वक्त सचमुच कोई नहीं था। माया से मिले 2-2.5 साल हुए हैं, और इन सालों में ऐसा नहीं हुआ कि वो शहर में हो और हम साथ ना हो। मतलब हम दोनों ने सिर्फ शादी नहीं की, वरना मेरा मतलब है दोनों साथ रहें, एक साथ। नाउ व्हाट कैन आई से? मुझसे क्या चाहते हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी ना हो, मतलब कैंसिल हो जाए, मतलब मैं ये कह दूं कि मुझे कोई और मिल गया है। सच तो ये है कि पिछले 2 सालों से मैं कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। आप इंडिपेंडेंट भी हैं, घर से दूर अकेली रहती हैं, और यूं भी तो मतलब देखने में खूबसूरत हूँ, है ना? क्या फायदा, आप ही ने पसंद नहीं किया तो दूसरा कोई कैसे गले बांध लेगा? ऐसा मत कहिए, मैं वैसे ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में, इसलिए ईमानदारी के साथ आपके पास आ गया हूँ। दादू तो शायद जान से ही मार डाले मुझे, और मेरी माँ तो शायद सदमे से मर जाए, आप नहीं जानते उसे। फिर क्या करूं? मेरी मानिए, जिंदगी को लगाम मत डालिए, आपके मोड़ने से ये नहीं मुड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा टीचर की तरफ बोलती हूं ना। देखिए, जो सच है और सही है वही कीजिए। यानी आप माया को साथ लेकर सीधे दादू के पास चले जाइए, और जैसा वो कहें वैसा कीजिए। और अगर उन्होंने वो कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, इतना मैं जानती हूं। दादू ने सिर्फ आप ही को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, मैं भी कुछ उनके आसपास ही पली। और आपकी मां, वो पहले भी दादू ही की जिम्मेवारी थी, अब भी वही संभालेंगे।
माधो माधो। हाँ साहब। कोई आया था क्या? माया मेम साहब आई थी, कुछ जल्दी में थी, अंदर से कुछ चीजें लेके चली गई। कुछ कहा उन्होंने? कह रही थी कुछ चिट्ठी लिख के जा रही हूं। माधव कहाँ है चिट्ठी? हमें क्या पता साहब, हमको तो बस बोल के चली गई। पर गई कहाँ? इतना कभी बताती हैं क्या? आप तो जानते हैं हमेशा जल्दी में रहती हैं। हेलो मोना। ओ हाय महेंद्र, तुम वाई से कब आए? हाँ अभी पहुंचा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, कब से कोशिश कर रहा हूं। कॉफी पियो? कॉफी पियोगे? माया कहाँ है मोना? माया हाँ हियर इट इज। ओ चलते चलते मेरा साया कभी कभी यूं करता है, जमीन से उठ के सामने आकर हाथ पकड़कर कहता है, अब की बार मैं आगे आगे चलता हूं और तू मेरा पीछा करके देख जरा क्या होता है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। माया ने कहा था जब तुम लौटोगे तो जरूर मिलने आओगे। कहां गई वो? कब गई? तुम्हारे जाने के दो दिन के बाद। कहाँ? उसने कभी बताया है क्या? और आएगी कब? वो भी नहीं बताया। खुद ही नहीं जानती तो किसी को क्या बताएगी। तुम तो जानते हो पिछली दफा जब गई थी तो 3-4 महीने तक गायब थी, और उससे पहले उस बार तो वो घर गई थी। घर? घर है ही कहाँ। वहीं से तो भागी फिरती रहती है वो। उसके माँ बाप भी उसे तंग आ चुके हैं। उन्होंने तो उसी दिन उसे त्याग दिया था जिस दिन वो फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्ट्रेस बनने गई थी। हेल, अब मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? रिलैक्स मोहिंदर, ढूंढने से नहीं मिलेगी वो। वो चीज ही कुछ ऐसी है, जैसे वो मेरे पास आ टपकी उसी तरह तुम्हारे पास आ पहुंची। उसी के लफ्जों में, मोना, मैं सूखे पत्ते की तरह उड़कर मोहिंदर के कॉलर पर जा अटकी। इतने दिन तो वो तुम्हें मिलने के बाद ही टिकी है, वरना वो तो मोना, अगर इस बार वो कल परसों तक नहीं लौटी तो सब खत्म हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा? शादी। किसके साथ? सुधा के साथ।